Assalamualaikum. We are starting the class. We are doing paper 5, question number 2. It's November 16, paper 52. ये वाला paper निकाल लो. November 16, 52. A student is investigating the characteristics of different light-emitting diodes. Each LED needs a minimum potential difference across it to emit light. The circuit is set up as shown, figure 2.1. Yeah, the circuit diagram banayi thi. बाहर किसी के नहीं लगनी चाहिए अभी भी पहले आज का सारी टास्क सुबह आज तक ये पी4 होती है नवंबर 16:52 जल्दी से बैठ जाओ 8 से 10 क्लास हुई थी नहीं ग्रुप पे लिखा था और मैंने ग्रुप में लिखा था वो मेरी है इन द पार होता और अभी बहुत दिक्कत हो ये नहीं सर कौन सा गंदा खौर होता 10 मिनट के रास्ते पे देखते अबे तो वही तो बताता जाता क्या पागल है हां सर नाम निकाल मेरे जिसके बाद हां तो मेरे 500 रुपए पेट्रोल से बाहर होगा कैसे किया सर आ जाओ बैठो चला जाएगा इंशाल्लाह बैठ जाना बैठे बैठ चुके सर पेपर वहां बैठ नहीं इंशाल्लाह बैठ टुगेदर होगा या इधर ये शमशान घाट में नवंबर 16:52 बेटा बैठ गया भाई नंबर 16:52 और सब लोग ये पेपर निकालो जल्दी से ऑलरेडी क्लास 5-6 मिनट हो चुके हैं देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये बोर्ड पे भी कोई लिखकर दिए हम सबके लिए कॉल है सर टिकटॉकर भी अपने काम में सही जा रहे हैं
चलो बेटा पढ़ो, और ये क्वेश्चन एक एडी के बारे में है, पढ़ो यहाँ से शुरू कर लो, नवंबर 16 बुक लाई हो, लॉक कर दो, हाँ जो बुक पे काम करता हुआ नहीं मिलेगा मैं उसको कहाँ से निकाल दूंगा, इसलिए कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, कहाँ है मेरा काउंटर, कहाँ है चलो पढ़ो बेटा, रुक जाओ प्लीज, गर्ल्स में प्लीज फोकस करो सवाल पे, इस सवाल की इनिशियल डिटेल अगर आप हल्का सा भी पढ़ ले तो काफी होती है, क्योंकि इस सवाल का एक फिक्स पैटर्न है, पढ़ो, द पोटेंशियोमीटर इज एडजस्टेड अंटिल द एलईडी जस्ट इमिट्स लाइट, पोटेंशियोमीटर इज एडजस्टेड, पढ़ो, पोटेंशियोमीटर इज एडजस्टेड अंटिल द एलईडी जस्ट इमिट्स लाइट, द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एलईडी इज मेजर्ड, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर एलईडीज दैट इमिट लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, it is suggested that v and lambda are related by this equation, formula aur se dekh lena, isko yaad kar lena, where p and q are constant, the graph is plotted of lgv and the y axis against lgx, kya ye info bahut zaruri hai ki aapko pata ho before you apply the formula, yes sir, kaun sa इसी को लीनियर लॉ कहते हैं, अब तुम सब लोग अपनी बुक निकालो, ख्याल रखना मैं बहुत कह चुका हूं अभी भी लोग उस पे नहीं आ रहे, पार्टीशन की आदत डालो, एग्जामिनर को थोड़ा सा फैसिलिटेट करो, पार्टीशन करो और उसके अंदर अपनी वर्किंग फिट करो, बोलो मेरे पास ये पेपर ही है, नहीं वो असल में 52 या 53 51 कहीं मैच कर जाएगा, कोई मसला नहीं, तुम देखो आराम से, तुम्हें मैच शक्ल शक्ल देख लो इसकी है, जो बच्चे मैथ्स नहीं लेते, जो बच्चे मैथ्स नहीं लेते उनको मैंने पहले भी बताया था कि एलजी को बहुत अच्छे से समझ लेना, कि जब एलजी आ जाता है तो वो पावर को पीछे उतारता है और जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या बनता है, प्लस, दोनों क्लासेस में अलग अलग पेपर कर रहा है, तो अगर वो किसी से बोरो भी कर लिया उसने तो कम से कम आज के दिन तो पहली पहली स्ट्रेंथ चल जाएगा, मुझे सब लोग काम करते हुए नजर आए, मैंने वर्किंग बोर्ड पे शो की है, कॉपी करना चाहो तो कर लो, ये कहो कि चार पांच साल मुझे यूज करने पर मान लेता हूँ, शुरू करो, ये देखें क्या सेंटर क्या बता बेटा, शोर नाउ प्लीज,
जब भी आप लॉग की कैलकुलेशन करें याद रखें मल्टीप्लाई टर्न इनटू प्लस डिवीजन टर्न इनटू माइनस एंड अ पावर कम्स इनटू कोएफिशिएंट. सब लोग ये लॉग की कैलकुलेशन जरूर याद कर लें. और मैंने आपको एक रजिस्टर शुरू करवाया था, मैंने मैसेज में लिखा. अफसोस की बात यह है कि मैसेज को 6-6 मरतबा लिखो तो भी लोग मुझे अलग से पूछ रहे होते हैं कि इसमें क्या लिखा है. लॉग एक्स वाई, जो लोग मैथ लेते हो बताओ क्या होगा ये? लॉग एक्स प्लस लॉग ये होगा, और लॉग एक्स अपॉन वाई ये क्या होगा? ठीक है. और अगर log x पावर n है, जो लोग अपनी वो पास पेपर की बुक के साथ वो जो रजिस्टर है नोट्स वाला वो लाएं, उसमें ये कॉपी कर लो. अगर आप वो रजिस्टर नहीं मेंटेन कर पा रहे तो जो आपकी P5 की बुक है उसके आखिरी पेज पे हेडिंग डाल दो नोट्स और वहां लिखना शुरू कर दो. नोट्स बनाओ, नोट्स बहुत काम आते हैं पेपर 5 से पहले. सब लोग ये नोट सेक्शन में कॉपी करो. अगर तुम अपना P5 का रजिस्टर लाए हो तो P5 का मैंने एक नोट्स का रजिस्टर बनवाया था, उसके पार्टीशन करवाया था, नोट्स फॉर एनालिसिस, नोट फॉर डिजाइन. अगर वो कौन सा पास है मारता है ओ मनी
आपने कॉपी करना था नोट सेक्शन में, और जैसे मैंने कहा कि एक नोट सेक्शन अब देखो प्लीज अटेंशन दो, मैंने आपको सिखाया था या मैंने आपको लॉग वाली बात समझानी है, सब लोग और से देखिएगा। लॉग वाले केस पर, लॉग वाले केस पर एएस की अनसर्टेनिटी नहीं लगेगी। मैंने आपको यह शो नोटिस मैंने आपको बताया था कि अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन करने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके, एएस वाला और एक लेवल का, एक उनका। यहाँ एएस का नहीं लग सकता, बताओ एएस का क्यों नहीं लग सकता, एएस में तो लॉग था ही। तो अब ये वाली कैलकुलेशन देखो जो मैंने सिखाई थी, कल से गार्ड में फोन में निकालने से ये तो गलत अगर उसके पास पेपर है और नेक्स्ट टाइम तो बुक अगर नया बुक नहीं होगी तो दो महीने आपको लग रहा है, अगस्त में पता चलेगा, शायद एक साल और हो। बेटा जो बच्चा अभी बुक नहीं खरीदना चाह रहा वो 7 दिन के लिए बुक खरीदेगा, कुछ सोचो कि आप लेवल चेक करो कि बंदा अब वो तरीका समझ लो यार। शो नाउ प्लीज, आवाज बंद करें प्लीज। जो लॉग वाली कैलकुलेशन है उन पे देखो प्लीज, लॉग वाली कैलकुलेशन देखो कि जब अनसर्टेनिटी निकालनी है तो एक मर्तबा उसमें अनसर्टेनिटी ऐड करो और एक मर्तबा वही नंबर रखकर उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ये ए टू वाला तरीका है, मैंने एक कैलकुलेशन करके दिखाई है, साथ ही बोलो प्लीज, मैंने एक कैलकुलेशन करके दिखाई है, बाकी कैलकुलेशन आप तो खुद करो। ये तरीका पेपर का A2 का तरीका है और ये तरीका वैसे सब पे लग सकता है, लेकिन लॉग के लिए स्पेशल है क्योंकि लॉग के लिए AS में कोई फॉर्मूला नहीं था। तो सब लोग देखो ये कैलकुलेशन कॉपी करो, अनसर्टेनिटी कंप्लीट करो, टेबल पूरा करो। ऐसे भी कर नहीं सकते LG 1.9 प्लस 0.1 अपॉन 1.9, ये हमेशा माइनस होगा। जो एरर निकालना होता है, एरर हमेशा डिफरेंस होता है ना, तो इट्स ऑलवेज सबट्रैक्शन। सर ये बोल रहे हैं कि LG 1.9 प्लस 0.1 अपॉन 1.9 क्योंकि माइनस ही होगा, माइनस ही होगा, वो गलत बोल रहे हैं ना, आप ही गलत, वो एक LG के साथ बोल रहे हैं, LG एक हो और आगे फ्रैक्शन वो टूट के माइनस आ, ये तो दो LG बोल रहा है, वो कैसे माइनस, कौन सा माइनस, माइनस राशि क्या पूछ रहा, सॉरी
दोनों सेम हो जाएंगे बिल्कुल, कर सकते हो, लेकिन फिर उसको प्लॉट कैसे करोगे? वो प्लॉट में फंस जाओ भाई, अगर प्लॉट करते वक्त दो पॉइंट सेम हुए तो प्लॉट कैसे करोगे? बेटा वो बेसिकली वो पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, आप समझ नहीं पा रहे ना, 0.3 है ना सर, ऊपर कैसा है मतलब उसके, देखो अगर x कोऑर्डिनेट a कोऑर्डिनेट सेम हो गया तो दूसरा वैरी भी करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा। सर ये बोल रहे हैं ये अप्रोच से ब्लॉक किए बताओ, लेकिन आप ऊपर कैसा है यूज कर सकते हो, कोशिश करो बीएस फिजिक्स वाला यूज करो, तुमने मासिक का लॉग के लिए बेटा शो हो रहा है ना, ऐसा शो नहीं करो, सब लोग कोशिश करो कि अपना जो टेबल है वो पूरा करो, कैलकुलेटर पे रखकर खुद कैलकुलेट करो, टेबल भरो। उस वक्त आदमी सोचो ना 1000-1500 की बुक भी ले सकते हैं, वैसे वो सस्ते बर्गर हो बेटा, अकल में ए लेवल से ऊपर कुछ चीज यूज कर है तो एक महीने केएफसी नहीं खाओ। ऐसे कई लोग ऐसे कॉलेज में जाओगे ढेर पड़े हैं क्या उसका तो बर्गर नहीं, बेटा पेपर डिजिटल तो उनकी क्या करो, पिटीशन तो इंग्लिश पे ईमेल लिखो, बेटा रुको नहीं प्लीज, हो गया अब इसको आगे चलाऊंगा, तमाम एक्सपर्ट को टेबल से पहले कनेक्ट कर लो, अगर टेबल बन जाता है तो फिर तुम्हें ग्राफ पे जाना है, जो लोग टेबल पूरा कर लेते हैं वो इसका ग्राफ शुरू करिएगा, पहले आराम से पूरा ग्राफ का एक लुक मैंने स्क्रीन पे शो किया है, आप चाहें तो उसको स्क्रीन से थोड़ा सा देख सकते हैं, इस बीच में कोई भी अपनी सस्ती सिंगिंग नहीं करे बिल्कुल। वहां पर बेटा उस वक्त जब ये मैंने पेपर में भरा होगा ना, बच्चों से पूछा होगा, उस वक्त डिफरेंस आ रहा होगा, ये कोई ऐसी ये मार्किंग स्कीम से भी कंपेयर हो जाता है, ये केवल मार्किंग स्कीम से कंपेयर कर सकता, बाकी चीजें कंपेयर नहीं हो पाती। कैसे इसका एक्सपोर्ट है ना, सवाल जब पढ़ो तो वो बताएगा।
मैंने ग्राफ का एक सैंपल दिखाया है, एक सैंपल ग्राफ का शो किया है ताकि तुम उससे कंपेयर कर लो और तुम्हारी एफर्ट खराब ना हो। शार्प पेंसिल लीजिएगा, लेकिन पेंसिल को डार्क करने का मतलब उसको मोटा मत होने दीजिएगा, तो चार मतलब ऐसे चला के ये मत करिएगा, इससे वो लोग बहुत चिढ़ते हैं। पेंसिल शार्प हो और डार्क हो लेकिन थिक ना हो। एग्जांपल ग्राफ मैंने स्क्रीन पे शो किया है सर, वर्टिकल वो बनेगा ना एरर बार, किसी का ग्राफ है सब लोग आप एरर बार प्लॉट कर रहे हैं तो जरा खामोशी रखें। ये मैं रिपीट कर दूं, कौन से बहुत काम का, बेस्ट फिट हर एक की वेरी करती है, वर्स्ट फिट वेरी नहीं कर सकती, वर्स्ट फिट में कोई गलती भी नहीं करता। सारी खप जो होती है, सारी प्रॉब्लम जो आती है वो बेस्ट फिट में आती है। बेस्ट फिट को ट्रांसपेरेंट रूलर पे इन्वेस्टमेंट करें, वो लेकर आए और उससे बनाए। वर्स्ट फिट जो है वो तो आप ना भी प्लॉट करें फोटोग्राफ ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बेस्ट फिट डिटरमाइन द डिफरेंट शेम ऑफ कलर सर।
जो लोग ग्रेडियंट की वर्किंग शुरू करें, रिमेंबर कि दो पॉइंट्स लीजिएगा जो दूर हो, और फिर आप ट्रायंगल एग्जामिनर को बना के दिखाइएगा, जैसे यहां बनाई है। देखो कि ये छोटा नंबर यूज कर रहे हैं। मैंने पहला बना दिया बहुत खतरनाक है। अगर आप इसको और से देखोगे ना, यहाँ तक और से एरर बार के बाद ही बनती है। एरर बार का बेटा मैं तरीका बताता हूँ। देखो, एरर बार का तरीका ये है कि तुम्हारा जैसे यह तुम बना रहे हो ना, देखो स्क्रीन पे, अब ये तुम्हारा नंबर है। पहला नंबर पढ़ो 0.28, देखो ये पढ़ो। अब 0.28 में एक मरतबा 0.02 ऐड करो, एक मरतबा माइनस करो, एक मरतबा माइनस करो 0.02। हाँ, और जब तुम इसको प्लॉट करने आओगे तो फिर तुम इसको गौर से देखो, देखो ऐसे बनेगा ये। क्या बीच में वो बीच वाला नंबर आएगा? अगर तुम इसको प्लॉट कर रहे हो तो बीच में आएगा ये नंबर। अब तुम बनाओगे क्या, तुम ऐसे डॉट लगाओगे, सामने होना चाहिए 0.28, ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे आएगा। ऊपर ये बड़ी वैल्यू बैठेगी, नीचे छोटी वैल्यू। सर आप वो बोलो लाइन ऑफ बैचलर बता दें। लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू विजन है, ऐसी लाइन बनाओ जो मेजोरिटी पॉइंट्स के दरमियान से गुजरे और वो उनको कवर करे। सब सब पॉइंट से गुजरना जरूरी नहीं है, ना गुजरनी चाहिए, एक्चुअली गुजरती भी नहीं है क्योंकि वो फिर बेस्ट फिट ही नहीं होगी ना। ऐसी लाइन बने, ये इस तरह से अच्छी लाइन बनाइए। उसको वो दिखा दे, वो सीआई के टाइम पे वो खुश है। हमारे यार उसका पैरेलल बिजनेस चल रहा है, उसको क्या मसला है? आपसे शर्मा रहा है जो आपकी मुस्तला